जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक वीडियो हम बात करेंगे कि अपनी हाइट को हम घर पर कैसे नापें। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और भी वैकेंसी आती रहती हैं, तो आप डाउट में रहते हो कि कितनी हमारी हाइट है, और लड़के और लड़कियाँ दोनों अपने घर पर ही इस चीज़ को नाप सकते हैं। तो मेरे हाइट नापने से रिलेटेड जो हेल्प करेंगे वो है मेरे बंटी भाई। तो मतलब इनकी हाइट नाप के हम आपको बताएंगे कि कैसे हाइट को घर पर नाप सकते हो। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाइट नापने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, ये है एक स्केल और ये है एक इंची टैप। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप जो हार्डवेयर की दुकान होती है ना, जो मतलब जो लकड़ी वगैरह का फर्नीचर का सामान मिलता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंची टैप इसको बोलते हैं। ये स्केल, ये तो 10 रुपये का आपको मिल जाएगा, 50-60 रुपये का ये मिल जाएगा। ठीक है, 60 रुपये का ये दोनों आइटम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, इसको बस इस तरीके से लगाना है। इसका रोल ज़्यादा रहेगा कि आप इससे कैसे नापेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। देखिए, इसमें इंच, एक साइड इंच दिखाई देंगे, मतलब जो दूरी दूरी पे 1, 2, 3 इस तरीके से लिखे हुए हैं, ये इंच हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये इंच हैं और ये है सेंटीमीटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर 11 इस तरीके से, मतलब ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें लगभग ज़्यादातर जो आप देखेंगे 168 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं। तो देखिए, ये है 170 और 168 सेंटीमीटर, मैं आपको बता दूं कि कितना होगा। ठीक है, 170, 168 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा? देखिए, ये है 168 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है 170 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर होने के बाद में फिर इन्होंने 10 को शुरू कर लिया है। ठीक है, तो आप नापते हैं कि कैसे मतलब हाइट को नापेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ भी आप अपनी हाइट नापो, उस तरीके का ये प्लान दीवार होनी चाहिए। ठीक है, प्लान दीवार होनी चाहिए जिसपे आप लग के खड़े हो सको, एक मार्क लगा सको। ठीक है, और मतलब इस तरीके से नाप सकते हो। तो मैं इनकी हेल्प लेकर मैं बता देता हूँ आपको। 20 भाई, आप इधर आइए। तो अब ये शूज में है, तो शूज तो उतारने पड़ेंगे इनको, तो जूते अपने उतार दीजिए इधर। ठीक है, क्योंकि इससे सही नहीं नपेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से नीचे प्लान होना चाहिए, जूते अपने उतार देना। ठीक है, और इस तरीके से प्लान पे खड़े हो जाना। ठीक है, एक मतलब जो भी पीछे कोई दीवार हो या जो भी चीज हो, उससे लग के आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा खड़े हो जाना है। ठीक है, अब इससे आपको करना ये है कि पहले भी वीडियो बनाया था, उससे रिलेटेड मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर कभी ज्यादा नप जाती है, कभी कम नप जाती है। तो इससे ज्यादा तो अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही आता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे इनके स्केल मैंने ही रख दिया, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और इसको पीछे अब लगा देना है। अब आप देखिए, स्केल बिल्कुल सीधा, यहाँ से आप देखेंगे ना, इस साइड से खड़े होकर आपको ये स्केल बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। तो जहाँ आपको सीधा स्केल दिखाई दे, यहाँ पे अब यहाँ पे रोकने के बाद इनको हटा दीजिए कि आप बंटी भाई आप हट जाइए। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पे ये मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया, यहाँ पे हमारा जो है हाइट आ रही है, ये मार्क कर लिया। ठीक है, अब हम इसको नापेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊँ। देखिए, इस तरीके से आप इंची टैप को लीजिए। अब हम दो लोग मतलब इस चीज को कर रहे हैं, तो मैं इनसे पकड़वा भी सकता हूँ। ठीक है, तो बंटी भाई नीचे पकड़ लीजिए, हाँ ठीक है, इस तरीके से पकड़ लीजिए, और यहाँ इससे जो मार्क हमने लगाया था, इसको यहाँ पे नाप लीजिए। ठीक है, ये हमने नाप लिया, तो आप देखेंगे इनकी जो हाइट है, देखिए मैंने ये मार्क लगाया था, ये आपको दिख रहा होगा, तो इनकी जो हाइट है 1.72 सेंटीमीटर, 1.72 सेंटीमीटर, ये 1.72 सेंटीमीटर इनकी हाइट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी हाइट को क्लियर नाप सकते हो कि हमारी हाइट कितनी है। चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, अपनी हाइट को लेकर के डाउट में हो, तो अपने घर पर ही खुद से बहुत आसानी से अपनी हाइट को नाप सकते हो। ठीक है, अपने परिवार में जो भी कोई तैयारी कर रहा है, उसकी भी हाइट नाप के आप कन्फर्म कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।